झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की बैठक हुई। बैठक में तमाम सदस्यों ने शिरकत की। इस दौरान शिबू सोरेन समेत विनोद पांडे हों, विधायक मथुरा महते हों, सांसद विजय हांसदा हों, तमाम लोग शामिल हुए। बैठक के बाद झामुमो के वरिष्ठ नेता और राज्य समन्वय समिति के सदस्य फागु बेसरा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम मजदूरों के हितों को लेकर के, उनके संरक्षण को लेकर के क्रियाशील है, प्रतिबद्ध है। साथ ही उनके मुस्तकबिल को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर के, उनके परिवार के सदस्यों को लेकर के सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चला जा रही हैं उसे इम्प्लीमेंट करने की दिशा में भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य रहते हुए या उसके विधायक रहते हुए अगर किसी दूसरे यूनियन, दूसरे किसी कोलियरी यूनियन या मजदूर यूनियन के सदस्यता आप ग्रहण करते हैं तो ये पार्टी लाइन के खिलाफ है। इसके एवज में दो विधायकों को नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें सीता सोरेन का भी नाम है। उस सवाल के जवाब में फागु बेसरा ने कहा कि पार्टी के मामले को संज्ञान में रख रही है, इस पर फिलहाल कार्रवाई चल रही है, लेकिन अंतिम कार्रवाई शिबू सोरेन के निर्देशों पर ही होगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। आज झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन, झारखंड श्रमिक संघ और TVNL मजदूर संघ यूनियन की बैठक यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई है। और पूरे झारखंड में झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन, झारखंड श्रमिक संघ संगठन को कैसे मजबूती करना है, मजबूत करना है और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे करना है, तमाम विषय पर चर्चाएँ हुई है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी तुरंत विशेष करके कोल इंडिया के मजदूरों को लेकर के जो वेज बोर्ड का जो मामला था वो वेज बोर्ड का समझौता संपन्न हो गया है और उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष करके जो भारत सरकार का जितना उपक्रम है कोल इंडिया का, CCL BCCL ECL और यहाँ पर जो कोयला खदान में खास करके जो निजीकरण को बढ़ावा देने का जो निर्णय लिया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले दिन में खास करके जो इस देश में जो सभी श्रमिक से संबंधित अधिकार से संबंधित जो कानून यहाँ बना हुआ था उसको निरस्त करके चार श्रमिक कोड जो पूरे देश में लागू करने का भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम लोग झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन हम लोग उसका विरोध करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट को लेकर के अभी चूंकि पूरा पूरी वो श्रम कोड अभी लागू नहीं हुआ है, वो किस रूप में लागू हुआ उस पर भी हम लोग आज के महत्वपूर्ण बैठक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मजदूरों को लेकर के विशेष करके झारखंड में यहाँ कोयला खदान है, कोयला खदान में काम करने वाला तीन प्रमुख कंपनियाँ हैं, CCL है, BCCL है, ECL में, और उनके अधिकारों को लेकर के, मजदूरों का अधिकारों को लेकर के और जो जिनकी ज़मीन पर कोलेरियाँ चलती है, खदानें चलती हैं, जिनको नौकरी कंपनसेशन जो विस्थापित होते हैं उनको जो नहीं मिलता है उस पर हम लोग निर्णय ले रहे हैं। और इस देश के अंदर में जो कानून बना है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जिसके तहत विस्थापितों को अधिकार देना है और अभी अभी जो 12वां वेतन समझौता जो हुआ है जिसके तहत मजदूरों को मजदूरी देना है, उसका हक और अधिकार देना है, वो चाहे सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे उनके कल्याण से संबंधित जुड़ा हुआ मामला हो, और मजदूरों को उसको कैसे मिले उसके लिए झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन पहल कर रही है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।